हाय फ्रेंड्स, आशा की कुकिंग स्टाइल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू के पकोड़े। ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बेसन और प्याज की पकौड़ी की तरह ये नहीं है, ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐड करनी होती है। ये बनाना बहुत ही इजी है और सिंपल है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने दो आलू को छील के रखा है। आप चाहे तो दो से भी ज़्यादा आलू ले सकते हैं। अगर आपको ये स्नैक्स ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा आलू ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से ग्रेटर को लेके आलू को हमको ग्रेट कर लेना है। आलू को आप कद्दूकस कर लीजिए। आलू को कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसको वॉश करेंगे। इसको धो के एक प्लेट में हम रख लेंगे। अब हम इसमें एक अंडा को फोड़ लेंगे। जिस तरह बेसन और प्याज का पकौड़ी बनाते हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद इसमें डाल देना है बेसन को 2-3 चम्मच, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको ना ही ज़्यादा सूखा करना है और ना ही ज़्यादा इसको पतला करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डाल देना है कॉर्नफ्लोर को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में हमने तेल को डाल दिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है इस आलू के पकोड़े को हम तलना शुरू करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसको इस तरह से छोड़ेंगे। आप अपने हिसाब से साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा छोटा डाल रही हूँ। गैस को हाई करके ही इसको तलना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तलेंगे। वन साइड पकने के बाद इसको दूसरी साइड पकने के लिए हम इसको पलट देंगे। यकीन मानिए गाइस, ये खाने में इतना टेस्टी होता है। जब मैं इसको पहली बार बनाई थी ये इतना लाजवाब बना था, पर पूछो मत। खाने में इतना गजब का टेस्ट आता है इसमें। अब बेसन और प्याज का पकौड़ी खाने भूल जाएंगे। आलू का पकौड़े गोल्डन कलर हो गया, अब हम इसको निकाल देते हैं। इसी तरह दूसरी बैच को भी मैं तेल में डाल दूंगी। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इस कच्ची आलू का पकोड़ा को बना के खिला सकते हैं। हर एक के घर में आलू तो होता ही है। बस इसको सबसे पहले छील के ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद अपने हिसाब से, अब ज़्यादा आलू ले रहे हो तो 1 से 2, 2 से 3 अंडा मिक्स करके बेसन डाल के और सारे मसाले वगैरह को डाल के मिक्स करके इसको छान के खिला सकते हैं। खाने के बाद वो जरूर पूछेंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ पकोड़े है। रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। इसी के साथ कुरकुरे आलू के पकोड़े बनके तैयार है। मैं इसको केचप के साथ सर्व की हूँ। आप अपने मनपसंद सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बनाना बहुत ही ईजी है और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्प है और अंदर से मॉइस्ट बना है। खाने में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। अभी अपने घर में कच्ची आलू का पकौड़ा बना के
मेरे साथ में कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि ये आपका बनाया हुआ आलू के पकौड़े किस तरह से बना था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।